एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यू नो व्हाट गाइस, टाइम कितना हो रहा है? टाइम इज 12:30, बस 12:30 बजे मैं रात के ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे भूख लगी है। मैं अपना जो चाय ब्रेड है उसको ब्रेड के तवे पे बटर लगा लूँगी। और 12:30 हो रहे हैं, उधर दिख रहा है आपको वो पम्मी सोए पड़े वहाँ पे कहाँ? हाँ वहाँ वहाँ। और ये रहा ये शख्स, ये टीवी देखता रहता है और आज खा रहा है। वैसे तो खाता नहीं है, वैसे तो इसने पता नहीं क्या आज की मैं खाना छोड़ रखा था, अब खा रहा है 2 दिन से। तो गाइस अब मेरे को, मैंने सोचा है कि हम Q&A व्लॉग बनाएंगे, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं रात को ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि Q&A व्लॉग तो मुझे कल मॉर्निंग में बनाना है। इंस्टा पे स्टोरी डालूंगी, फिर आपके क्वेश्चन के ही आंसर दूंगी। बट मैंने सोचा अभी भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ इतने। चलो मैंने मैं चाय ब्रेड बना लूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। आप देख सकते हो कुछ भी बनाने के बाद ना किचन का हाल ऐसे हो जाता है, क्योंकि किचन छोटी इतनी है, एकदम खिचपिच हो जाती है। वो वहाँ नींद में ही खा रहे हैं, ये यहाँ लगा बड़ा अपना। ये हर चीज़ की पहले स्नैप बनाता है, पता नहीं मेंटल हो गया है स्नैपचैट के पीछे। मैंने देख लिया था तुझे, ब्रेड दू ला रही हूँ। देखो मैंने गाइस बंद फ्राई करे मीठे वाले करारे कर दिए। गाइस चिल, हम लोग उठे ही हुए हैं, पर मैं टाइम दिखाना अपने फोन में, दिखाओ प्रूफ। गाइस जो मैंने लास्ट शूट करा था वो था, अभी हो रहे हैं 5:22 और हम लोग अभी भी नहीं सोए और फिर से भूख लगने लगी हमें। ये यहाँ पे देख रहे फिल्म, हाँ भाई 5:30 बजे देखो मम्मी पापा। कभी सोएगा तो पूरा दिन सोएगा, कभी नहीं सोएगा तो नहीं सोएगा। बंद कर। और गाइस मैं क्या करूँ, उठे हुए हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। मैगी गाइस मैंने ना चाय बनाई, मैंने इसको बोला भाई तू तो लेगा, तो कह रहा नहीं मैं नहीं। मैंने कहा भाई ले लियो थोड़ी सी यार, ठंड हो रही है। तो कह रहा ठीक है ले लूंगा। फिर मैंने कहा ब्रेड तो खाएगा, कह रहा नहीं खाऊंगा। फिर इसने 7 ब्रेड खाई पूरी मैंने ना, क्योंकि गाइस 8-9 गिन के ही करी थी ना, क्योंकि खाते हैं नहीं फिर फीके। इससे अच्छा फायदा है कि आप लोग बोलोगे ऐसे गिन रही है, गिन नहीं रही फिर फीके, इससे अच्छा फायदा नहीं। इसलिए मैंने गिन के 9-10 करी थी और साथ इसने खाई 3 पम्मी ने, तो हिसाब बन गया मुझे कि 10 ब्रेड खत्म हो चुकी है। और जब सो नहीं रहे तो बार बार फिर मैं, मेरे को भूख लग रही है, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसलिए अब बना नहीं पा रही। और यहाँ पे ये बॉक्स में भी कुछ पड़ा है, ये लोग लाए थे नॉनवेज, वो है तो ये लोग ये खाएंगे, मैं मैगी खाऊंगी, पर इन्हें भी देनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखो मैंने पूरा गैस तक साफ करा है, ये ना इसमें कुछ काला काला हो गया, ये अभी जा नहीं रहा, घिस घिस के कर रही हूँ। और ये देखो सुबह के 6 बजे मैंने सारे बर्तन धो दिए, कुछ तो फ़ायदा हुआ उठे रहने का है भाई। पम्मी अब हो गए रमलेट 6 बजे जाके, और अब मैंने 6 बजे पूरी किचन साफ़ कर दी, देख लो आप लोग। सुबह के 6 बज रहे हैं गाइस और अभी तक हम सोए नहीं हैं, तो मतलब हम लोग भाई उठेंगे कब जब हम सोए नहीं हैं अभी तक। और देखो आज अंशु ये पुराने वाले घर पे भी लेके आया था और आज भी लेके आया, टेढ़ा लगा दिया पम्मी ने। हाँ फिर ले आएगा कोई बात नहीं। और इसे देखो जहाँ से ये लाया तो घर पे पड़ा मिल गया। 6 बज रहे तू क्यों नहीं सो रहा? नहीं आज पता नहीं क्या हो गया, अब मुझे आ रही है कि मैं बर्तन बर्तन धो दिया, अब सब हो गया, अब नींद आ रही है। तू देखता रहा मूवी, मैं तो जा रही हूँ सोने, इसकी तो अपनी मूवी ही चल रही है। स्कूटी झाड़ रहा है सीधा मेरे मुंह पे, मतलब अभी सीधा मैंने नीचे आके व्लॉग स्टार्ट करा, सुबह चाय वाय बना ली पर व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। और आपको पता है मैं घर क्यों जा रही हूँ? ये भी डाल दी अभी गाइस। एक्चुअली जब मुझे सर धोना होता है ना तो मैं अपने घर जाके धो के आती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी ना अभी थोड़ा मिट्टी वाला है, ऊपर काम चल रहा है ना तो मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैं नहाने घर जा रही हूँ, मैं नहाने घर जा रही हूँ, इसे पता ही नहीं है। मैंने इसे बोला बहुत ज़रूरी काम है मोड़ ले, मेरा मुंह देखो कैसा हो रहा है, बाल भी गंदे हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ना पानी काम चल रहा है ना जैसे कि, तो ऐसा लगता है पानी में मिट्टी है, तो इसलिए मैं घर पर ही सर धो के आती हूँ, इसलिए घर पर ही जा रही हूँ। ऑन रोड हमारे साथ क्या हुआ है? मैं इससे कह रही बुलेट में से निकाल ले या बुलेट ले चल, बुलेट में से तेल निकालने को नहीं बोला तो फिर मेरे को क्या करूँगा? इसके साथ बुलेट पे डर लगता है, इस पर चलानी आती नहीं है, लड़खड़ा देता है मुझे, गिरा रहे कई बार, गिराने की साजिश हुई है। पेट्रोल पंप से थोड़ा सा पीछे स्कूटी बंद होगी, चल के आना पड़ा मुझे, तेल भरवाता नहीं है, जो पैसे देती उन्हें खा जाता है, मैं बताऊँ क्या करूँ। चल चल के आए हैं देखो भाई, और मेरी हालत भी इतनी बुरी हो रही है क्या बताऊँ। घर और अभी जाऊँगी नहाने के, कुछ पार्सल्स आए थे वो खोल के देख रही थी मैं, गुन्नू यहाँ मूवीज देख रही है। अब चलो
पानी लगा रखा है, गुनगुना मेरा हो जाए फिर मैं नहाती हूँ, सुंदर बनती हूँ। अपना सूट भी लेके आई हूँ एक वेलवेट का अच्छा सा, फिर नहाऊंगी। स्काई मेकअप करा और लिप्स भी, और आई मेकअप मैंने पहली बार स्मोकी आई इफेक्ट दिया इसे। हाँ गाइस, ये अपनी सारी उल्टे करने में मुझे पे ट्राई मारती है। गाइस उल्टी तैयार करी है मैंने, ये भाग ऐसे चल, पैसा निकाल वापस जितना मेरा मेकअप लगा है। पहली बार कुछ मंगाया है, फ्राइज मेरे में भी डाल दियो। गुड्डू ऐसे करेगा, तेरा मेरा करेगा, मेरे फ्राइज मेरे भी इसमें फ्राइज डाल दे। तू खा ले, तू खा ले। गाइस इसकी ना रेडी है, तो ये ऐसे ही बेचता है ना वहां पे, तो मैकडी के मंगा के भी ऐसा होगा। सत्या मैं नहाने आई थी, नहा के जा रही हूँ। और ना गाइस मैंने ये आंखों के ऊपर नया करना सीखा है, अभी गुन्नू के करा था, अब अपने भी करा है। तो अब मेरा दूसरा ड्राइवर मुझे छोड़ने जा रहा है, यानी कि पुनीत। आई हैव थ्री ड्राइवर्स, पुनीत, पम्मी, अंशु। तो अभी मेरा जो सेकेंड ड्राइवर है पुनीत, वो मुझे छोड़ने जा रहा है मेरे घर पे। और जो मेरा थर्ड ड्राइवर है, फिर थर्ड ड्राइवर जिम जाएगा, तो वो मुझे यहाँ छोड़ेगा। फिर आज नानी नानू का बर्थडे है और मामी की सालगिरह है। तो गाइस आई हैव थ्री ड्राइवर्स, अंशु, पुनीत, पम्मी। तो अभी मैं फर्स्ट ड्राइवर के साथ आई थी, सेकंड ड्राइवर ड्रॉप करने जा रहा है, थर्ड ड्राइवर वापस छोड़ने आएगा। देख रहे हो आप मेरी उम्मीदी। तो चलो नहाने आई थी, सर धोने धो लिया, अब जा रही हूँ अपने नए कपड़े लेके। मुझे तो बिठा गई थी, और अब ये मेरा तीसरा ड्राइवर। मुझे कुछ ज़रूरी काम था ना, चप्पल लेनी थी एक तो सबसे पहले अपनी, और मुझे पैसे रखने थे घर पे इसलिए। और अब ये मेरे को जा रहे हैं लेके, मंगलसूत्र लेना है मेरे को अपना, टूट गया मेरा। और फिर जाऊंगी नानी के घर। आज व्लॉग बहुत लेट डलने वाला है, बहुत ज़्यादा लेट। हाँ बताओ, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि नानू के साइज का ढूंढना ना बहुत ज़्यादा इशू है। भैया इसे साफ़ करना, किसी को व्लॉग बनाना हो तो कैसे बनाए। तो अभी बड़ी मुश्किल से यहीं पे मिला है, नानू का साइज वैसे तो मिलता नहीं है ना। कितना एक्सेल है ये? 4XL। घर जाके दिखाऊंगी अब किसके लिए क्या लिया है। आए थे नानू के लिए, पर एज यूजुअल जो हमेशा होता है कि किसी की भी शॉपिंग हो ये तो करते ही करते हैं। और अब तो भैया भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं। आप डिस्काउंट दोगे गाइस? अगर आप भी आओगे तो आपको भी देंगे। वैसे भी इनके रेट बहुत रीजनेबल है, पर आज मेरे साइज की शर्ट नहीं मिली। पम्मी ने अपने ले लिए, मेरे साइज की नहीं मिली। अब पम्मी ये देख रहे हैं, ये ले ली इन्होंने। और गाइस पहले जो मैंने डबल, हमने एक शर्ट पहनी थी ना इसी में सेम, वो हमने इनसे ही ली थी, इंस्टाग्राम के किसी पेज से नहीं ली थी। तो सेम में लेके गया हूं क्या? ये वाली शर्ट कद लेगी तब अभी पता लग जाएगी। अब भाई ज्यादा की बताएगा ना तो मैं नहीं सही बताएंगे कितने की है। भाई भाई आज बहुत सारी 5000 के कपड़े हैं सबके लिए, और जिस जिसने मंगवाया घर जाकर उससे पैसे लूंगी सारा हिसाब लेकर। और अभी मेकअप का सामान ले रही है कुछ, यहाँ से मामी के लिए थोड़ा सा मेकअप ले रही हूँ। अब देखो घर जाके दिखाऊंगी किसके लिए क्या क्या, क्योंकि नानू का बर्थडे भी और नहीं मामी और नानू की नहीं, मामी और मामा की सालगिरह है। चलो बंद कर दो, मैं कंफ्यूज हूँ। और आप सोच रहे होगे ना कि मैंने इतने सारे कपड़े क्यों लिए, वो सारे मैंने नहीं लिए, कुछ मामी ने मंगाए थे कुछ मम्मी ने मंगाए थे, तो इसलिए इतने सारे हो गए थे वो। पर और आज तो मेरा व्लॉग भी नहीं डला, क्योंकि अब 8 बजे तक मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि उठते ही 2 बजे महाराज, सोता ही इतनी देर तक टीवी चला के, इसके टीवी चक्कर में हमें नींद नहीं आती। बाकी चलो घर खाना भी ले लिया मैंने, घर जाके मुझे बनाना पड़ेगा पम्मी के लिए, वो जिम से फ्री हुआ है इसलिए। अंशु आ जा गाइस, 1 मिनट यार। तो गाइस चलो, हाँ रोटी हो गई। कहाँ है अंशु? आ रहा है अंशु गाइस, आज आप लोगों को बता। हाँ बना लूँगी गाइस। आज हमारे घर में 2 फंक्शन थे, एक नानू का बर्थडे और मामा मामी की सालगिरह एक ही दिन आती है। चलो अंशु आ रहा है, चलते हैं। मम्मी आ गए थे मुझे ले ले, और मम्मी ना संतरे और सेब पसंद करते हैं, तो ये यही ले रहे हैं। कैसा लगा आपको 3 घंटे मेरे बिना रह के? अरे कैसा आदमी है, सेब में देख रहा है पहले दाग अच्छे, सेब अच्छे मिल जाए बहू कुछ पूछती है। आप बताइए 3 घंटे मेरे बिना रह के कैसा लगा आपको? अरे पन्नी आ गई, रो रहा हूं, आंसू आ गए। ये तो बाइक के आंसू आ रहे, कितने झूठे हैं। इन्हें ना संतरे बहुत पसंद है, पता नहीं कैसे, पहले तो नहीं खाते जब खा लेते। और मैं आगे से ना मूसली मतलब भी ले लूँगा। देखो गाइस हम रोड पे ब्लॉग बना रहे हैं रात को,
नहीं पता, मैं बताती हूँ गाइस, रात के 3 बज रहे हैं, अंशु भी सो गया, ये सो गया, मुझे नींद नहीं आ रही, पलट गए इधर, बैल को पहले की चोटें लगी हुई है यहाँ पे, और मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कितना फ़ोन चलाऊँ, टीवी देखूँ क्या करूँ, भूख भी लग रही है। मेरे साथ रोज ऐसे ही होता है, मेरे को रातों को नींद ही नहीं आती, ये सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उठ ही सकती हूँ। चलो कोई नहीं, फ़ोन चलाते नहीं था जी, इसको मिल चुके हैं हम, नहीं सिर्फ मैं, तो सुबह 12 बज रहे हैं, मूवियाँ ही देख रहे हैं, फिर यार इतनी लेट लेट उठते हैं, फिर ब्लॉग नहीं डालवाते, इसीलिए कल ब्लॉग नहीं आया था। चलो सोचो कोई बात नहीं, अभी रात ही हो रही है, ठीक है अभी रात ही हो रही है, तुम सो, तुम्हें किसने बोला उठने के लिए, तुम दुनिया में राज करने आए हो, ठीक है, मेरा भी यार राज ही हो गया तुम्हारा भी, ठीक है। गॉड गाइस, मैंने बोला था कि मैंने ब्लॉग बनाऊंगी, पर बनाया नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के लिए वो ही नहीं डाला, क्वेश्चन स्टिकर, रुको यार मेरा फोन स्टैंड नहीं हो रहा गाइस, गाइस ये लाइव नहीं है ना, वरना आप अपना नाम बोलते मैं लिख देती, यूट्यूब फैमिली, सुबह सुबह हाथ नहीं चल रहा इसलिए गंदा लिख रही हूँ, ठीक है। देखो मेरा न्यू लैपटॉप, मैंने इस पर लिख दिया यूट्यूब फैमिली, यहाँ से दबाया डिलीट, कल अपने नाम कमेंट करना सारे इस ब्लॉग में, तब सबके नाम लिखूंगी इस पे, ठीक है। चलो यार अब ये उठे तो चाय वाय बनाऊँ, दूध तो है नहीं, ये लोग लाएंगे तब बनेगा। इसमें आप लोगों को एक सच बात बताऊँ, रुको आवाज़ चली गई मेरी, यार क्या ब्लॉग बनाए ना समझ ही नहीं आ रहा क्या शूट करें, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा ब्लॉग चाहिए, चैलेंज ब्लॉग्स बनाए या कैसे ब्लॉग बनाए, तो बताना तब ब्लॉग शूट करा करूँ, क्योंकि ना समझ नहीं आ रहा, पूरा दिन तो ऐसे ही काम काज में निकल जाता है, क्या ब्लॉग बनाए कब शूट करें। और ना नेक्स्ट ब्लॉग तो मेरा फाइनल है कि Q&A ब्लॉग आने वाला है, आप पूछोगे मैं बताऊँगी, मतलब आपके क्वेश्चन मेरे आंसर्स, तो ये वाले ब्लॉग के नीचे ना आपने बहुत सारे कमेंट्स करने हैं, जो जो आपको पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टा से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड भी पूछते हैं, तो मैं वो भी ज़रूर बताऊँगी। आप किसी ने कमेंट करा था दीदी कुछ बताती नहीं, अरे नहीं यार मैं तो सब कुछ बता देती हूँ, तो नीचे कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। अब ये वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर दूँ, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, क्योंकि ये उठ नहीं रहे, मैं ही जाती हूँ दूध लेने नीचे, फिर चाय वाय बनाऊँगी, 1 बज रहा है क्योंकि, तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में Q&A के साथ, और अपनी इंस्टा ID भी लिख देना क्वेश्चन के आगे, ताकि मैं वहीं से आपकी इंस्टा ID डाल दूँ यहाँ पर, या फिर आपकी फ़ोटो वहीं से उठा के डाल दूँगी, ये सवाल इसका है, जिनको फ़ोटो ना डलवानी हो वो मना कर देना, जिनको डलवानी हो वो लिख देना कि हाँ डाल दो, ठीक है। तो चलो ये वाले ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। कबाड़ी वाला आ गया, चल पम्मी तुझे फेंक के हो कबाड़ी में, बस वो ही बढ़िया गाइस, देख लो अभी भी, तो बाय बाय, लव यू। वो कुछ लोग ऐसे करके एंड करते हैं ना ब्लॉग का, मेरे से होता ही नहीं है, चलो बाय बाय।